अच्छा, इस तरह है कि देखिए, हम लोगों ने पिछले दो सेशंस में तकरीबन मेजॉरिटी पार्ट ऑफ पीडियाट्रिक एनेस्थीजिया को हम लोगों ने एक्चुअली कवर कर लिया है, और जो भी डिस्कशन होगी आगे भी वो उसी उसी बेस नॉलेज के ऊपर ही आगे जो है वो बेस करेगी। ठीक है, तो नुसरत, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक 6 महीने का बच्चा है, उसकी इंग्वाइनियल इंग्वाइनल हर्नियोटमी होनी है, इंग्वाइनल हर्नियोटमी, तो उसके अंदर आपके एनेस्थीजिया के क्या कंसर्न्स होंगे? सर, इसमें 6 महीने का बच्चा है तो उसमें हमारे एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल कंसर्न तो सारे ही होंगे। जैसे इसमें जो है तो डिफिकल्ट एयरवे होगा, इसमें जो है तो डिक्रीज कंप्लायंस होगा, डिक्रीज एफआरसी होगा, डिक्रीज एल्वोलाई होंगे, ठीक है, इनक्रीज कंजम्पशन, तो ये डिसेट जल्दी होते हैं, रिजर्व कम होते हैं इनके। इसके अलावा हार्ट रेट डिपेंड करता है उसके, जो है कार्डिक आउटपुट डिपेंड करता है हार्ट रेट पे, रिफ्लेक्सेस भी जो है तो बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस भी ब्लंट होंगे। तो इसमें जो है तो सर ये हमारे वो होंगे। इसके अलावा ड्रग डोजिंग है, डिफिकल्ट आईवी, ये सारे हमारे कंसर्न्स इसमें होंगे शामिल। फिर सर, इस बच्चे को जो है तो हमने इन्हेलेशनल इंडक्शन से जो है तो सर इसके इंग्वाइनल हर्निया है। आप इसमें एक चीज मिस कर रही हैं, आपने जो ये बातें बताई हैं ना, ये पेशेंट्स की पेशेंट रिलेटेड कंसर्न है। ठीक है, तो इसके अंदर जी, आपने फिर इंग्वाइनल हर्नियोटमी है वो, उसके अंदर आप अगर उन्होंने आपको नहीं भी बताया ना, तो भी आप कहेंगे कि आप वी विल डिस्कस विद द सर्जन अबाउट अच्छा, अबाउट द हर्निया, हाउ बिग इट इज इट डायरेक्ट, इज इट हाँ इनडायरेक्ट, इज इट ऑब्स्ट्रक्टेड, इज इट इनकैप्सुलेटेड, उस हिसाब से ही आपकी मैनेजमेंट होगी ना। ठीक है, और उसके अंदर गट की इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन फिर भी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो और फीचर्स होंगे। तो उसमें आपने ये एक पोर्शन को हमेशा फिट करेंगे ना, तो हर हर केस के जी अंदर कोई ना कोई सर्जरी रिलेटेड चीज निकल ही आएगी। ठीक है, तो आपने बाकी सही बताया है, लेकिन इसको भी वर्ड्स को आप इस तरह करें, ये जो जुमला मैंने आपको बताया है इसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये भी है कि ऑल्टर्ड एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट एयरवे ऑल्टर्ड एंड फिक्स कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम विद द नॉट फुली डिवेलप्ड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, हाई वेगल टोन लीडिंग टू ब्रैडीकार्डिया, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, ऑल्टर्ड एनाटॉमी ऑफ एयरवे, इस तरह करके आप जुमले को याद कर लो। रूम में क्या बोलो? ठीक है सर, ठीक है, तो बाकी ये है कि व्हाट विल बी योर, आपने इनहेलेशनल इंडक्शन बताया है, इनहेलेशनल इंडक्शन क्यों करेंगी आप इनहेलेशनल इंडक्शन? इनहेलेशनल इंडक्शन जो है तो सर, इनहेलेशनल इंडक्शन जो है तो वो हमारी बच्चों में हमारी चॉइस है। फिर इसमें अभी आप बच्चे का अगर प्रॉपर एनपीओ है अगर तो बच्चे में आईवी लाइन अपना लगी हुई है, अगर बच्चे में मतलब आईवी लाइन लगी हुई, आरएसआई, एक मिनट, अगर बच्चे में आईवी लाइन लगी हुई है तो भी आप सर इनहेलेशनल इसमें इंडक्शन को एस्पिरेशन ले। का रिस्क अगर बच्चा जो है तो इलेक्टिव, देखें, आपने गलत नहीं बोला है, आपने सही बोला है, लेकिन अब आप सर इसको डिफेंड इनहेलेशन कर, एंड प्रोपोफोल, हाँ नहीं, देखें मेरी बात सुने, अगर इससे सर पहले ही आप, आईवी, सॉरी सर, आईवी अगर मेंटेन है तो हम इसको आईवी सेडेशन वगैरह दे सकते। नहीं, ये सिडेशन वगैरह का लफ्ज नहीं बोलेंगे, आरएसआई करेंगे सर, नहीं, क्यों करेंगे आरएसआई? सर नहीं अब आरएसआई करेंगे देखिए, ऑपोजिट हो गया, आप कह रही हैं इनहेलेशनल सर। इंडक्शन, आप आरएसआई कह रही हैं मैं तो आरएसआई, आरएसआई नहीं करूंगी, इनहेलेशनल क्यों नहीं करेंगी? एंड आईवी सर। अच्छा, पहले फैसला कर लें कि इनहेलेशनल अगर करेंगे सर या आईवी करेंगे। इसलिए नहीं करूंगी कि अगर बच्चा सर देखें इनहेलेशनल देखिए, अगर सर बच्चा बच्चा सेडेट होता है तो फिर कोऑपरेट कर आईवी रहा है तो प्रोपोफोल देते हैं सर, ये तो सर देखिए, मेरी एक बात सुने, आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को जो सिखाई है और बात, अगर एंड सेपरेशन देखिए मैं, प्लीज प्लीज, अब आप खामोश हो जाए, अब आप चुप करके बैठ जाए। ठीक है, आप उसमें ये बोलेंगे कि 6 मंथ का बच्चा है, वी कैन हैव डिफिकल्ट आईवी कैनुलेशन, सो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ द सर हर्निया इज नॉट हैविंग एसोसिएटेड विद एनी ऑब्स्ट्रक्शन और एनी साइंस ऑफ एनी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और एनी पेशेंट इज हैविंग वोमिटिंग और एनीथिंग एंड एनपीओ इज एडिक्वेट, देन यू कैन हैव इनहेलेशनल इंडक्शन। ओके, अदरवाइज सर अदरवाइज सुन ले, या पूरी बात सुन ले,
ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज यू विल मेक श्योर दैट यू यू शुड बी टेकिंग द आईवी लाइन फर्स्ट टू हैव रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ एमला क्रीम. यू कैन हैव एमला क्रीम. 6 महीने के बच्चे ने क्या कितनी आपको रेजिस्टेंस कर देनी है, आपने क्यों करना है? देखें, अब आपने एक बंदा वो कह रहा है कि मैं सिर्फ इनहेलेशनल आईवी इंडक्शन करूंगा और सेडेशन वगैरह दे दूंगा. हरीश, ऐसा जुमला नहीं बोलना, ठीक है? ये सेडेशन वगैरह और इनहेलेशन और आईवी, ये दोनों एक साथ कैसे होंगी? ये देखें, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप जो मर्जी करें, ठीक है, मैं हर पेशेंट के अंदर प्रैक्टिकली, मैं हर पेशेंट के अंदर इनहेलेशनल एजेंट को फौरी तौर पर मैं मैक्सिमम मैक पे ले जाके सेकेंड गैस इफेक्ट को यूटिलाइज करके करता हूँ. लेकिन क्या ये मैं एग्जाम में बताऊंगा? एग्जाम में क्या आधा तीतर आधा बटेर, थोड़ा 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 इनहेलेशनल थोड़ा आईवी, थोड़ी होता है. अब आपको ये याद रहेगी बात, 6 महीने का बच्चा है, आप उसको स्ट्रेटिफाई करेंगे कि इसके अंदर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कितना है. हर पेशेंट में थोड़ी ये इनहेलेशनल इंडक्शन बताने की जरूरत है, और ना ही हर पेशेंट के अंदर आरएसआई करने की जरूरत है, ठीक है? आपने ये बातें बता के कि अगर 6 महीने का बच्चा है, वी विल डिस्कस विद, देखिए सर्जन के साथ डिस्कशन करने का कितना फायदा होंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इस बच्चे में आप एनल्जीजिया के बाकी चीजें वही कॉमन रहेंगी, वही आप बताएंगे कि केयरफुल मेटिकुलस ड्रग्स, केयरफुल प्रोविजन ऑफ ऑल इक्विपमेंट, स्पेशलाइज इक्विपमेंट फॉर 6 मंथ बेबी, ठीक है, मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम्स, ठीक है, सारी चीजें ये हो गई. उसके बाद जो स्पेसिफिक उससे आपसे पूछेंगे, व्हाट आर चॉइसेस फॉर पेरी ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट. उसमें सर पैरासिटामोल भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं. देखो पैरासिटामोल भी दे सकते हैं का क्या मतलब है सर, मैं मल्टीमोडल बताने लगी हूं. आई विल मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरासिटामोल विद लोकल इन्फिल्ट्रेशन और कॉडल ब्लॉक, कॉडल ब्लॉक और सर जो है तो रेक्टल. जब आप बोलेंगी ना दे सकते हैं, जब आपसे सवाल ये पूछा गया है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो आप ये कहें तो ऑप्शंस आर इंक्लूडिंग पैरासिटामोल, सम रीजनल ब्लॉक, और इफ देर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन यू कैन गिव एनसेड्स, ठीक है? यूजुअली एनसेड्स आर बीइंग अवॉइडेड इन यंग 6 मंथ्स बेबी, लेकिन ये है कि आप ओपियाइड बताएं, ओपियाइड्स का क्या मसला है, आप शॉर्ट एंड ओपियाइड बताएं, फिर कॉडल बता दें. ये जो है ना, जब आपसे सवाल ये पूछा गया तो आप कह रहे हैं वो भी दे सकते हैं, ये नहीं जुमला बोलना, ये दे सकते हैं का क्या मतलब है, ये दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है? तो आप कितनी डोज निकालेंगी, 6 महीने के बच्चे का एक्सपेक्टेड वेट कितना होगा? सर 7 kg तक, 6 to 7 kg. ये किस फॉर्मूले से आपने निकाला है? सर फॉर्मूले से ही निकाला है. तो परसों मैंने यही बात बताई थी ना कि आपको एक्सपेक्टेड वेट, एक्सपेक्टेड एंडोट्रेकियल ट्यूब, एक्सपेक्टेड ये 10 kg आपने किस तरह बताया, कोई जल्दी से फॉर्मूला बताए. खुरम, आपको अगर आता है तो आप बता दो प्लीज. सर वेट मंथ प्लस 9. सर इसमें जो टर्म बेबी है वो 3.5 kg, 6 मंथ पे उसका वेट डबल हो जाएगा, और 1 year पे ये आप और बात बता रहे हैं इसका सर, एस्टिमेशन कर रहे हैं डबल होता है after, और 6 months पे ट्रिपल हो जाता है. नहीं ये आप दोनों जो बातें बता रहे हैं वो एक ही बात बता रहे हैं, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, उसका कोई फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला जो है वो आफ्टर 1 year के लिए एज प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, वो आफ्टर 1 year के लिए अप्लाई, एज प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2. जैसे अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 प्लस 4 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 kg 2 साल के बच्चे का. यस यस सर. अच्छा, और 1 year से कम पे आपने बताया? मैं बता रहा हूँ. जी एक मिनट बताओ, 3 month बताओ आप. जी आफ्टर 2 years एज मल्टीप्लाई बाय 2 plus 9 इज द फार्मूला, और एक साल तक का बुक्स में यही लिखा है जो मैंने आपको बताया सर, कि टर्म 3.5 बाय 6 months बेबी डबल्स इट्स वेट, और एक साल. अच्छा आपकी आवाज गायब हो गई है.
जी सर, नहीं मैं खामोश हो गया सर, बता दो। जी 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 ठीक है, तो आप इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। जी जैनब, आप बोल दो ये क्या है, लेस देन 12 मंथ्स, एज इन मंथ्स प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। देखो यही फार्मूला था जो मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खामोश हो गया हूँ कि शायद मुझे गलत याद है। ये फॉर्म है एज इन मंथ्स प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, ये है। ठीक है, तो 6 मंथ्स का 6 प्लस 9 15 बाय 2 7.5, इट लाइक दैट। ये फार्मूला है, ये आप लोग देख ले, इसमें से नोट कर ले, ये फार्मूला है जो मैं कह रहा था। ठीक है, अच्छा तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने निकाल लिया 7 kg, तो कितनी डोज देंगे आप टोटल में? How much dose will you give in caudal and caudal block? Please. Sir, point one ml of 0.25% bupivacaine. 0.1 ml कैसे होता है? सर इसमें एक तो फार्मूला है आर्मेटर का, जो कॉडल ब्लॉक में अगर आपको लोअर अब्डोमिन की चाहिए तो उसमें 0.5 ml पर केजी के हिसाब से आप देते हैं 0.25%। देखें मेरी बात सुने, आप सही बता रहे हैं, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि जब वो आपसे स्ट्रेट अवे ये पूछ रहा है ना कि आपके पास ये बच्चा है आप उसमें कॉडल में कितनी डोज देंगे, तो आप फिर ये नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ये सुनाना ऐसे ही है कि जैसे किताब का सुनाना है। तो आप ये कहेंगे कि इसमें एस्टिमेटेड वेट ये रफली 7 kg, 6 to 7 kg है, तो आई विल टेक 0.5 to 1 ml पर केजी ऑफ 0.25%, मेकिंग श्योर इट डज नॉट एक्सीड द टॉक्सिक डोज। टॉक्सिक डोज इसके अंदर 14 mg है, तो 14 mg से कम आपने देना है, समझ आई? अगर वो वेट से ज्यादा हो रहा है, अगर वो टॉक्सिक डोज क्रॉस कर रहा है, तो आप उसको डायल्यूट कर लेंगे, आप 0.2% कर लेंगे, 0.1% कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन ये है कि एक जो है वो बच्चा है 6 months का, वो प्रेजेंट किया है इन शॉक। ठीक है, उसका उसका हार्ट रेट जो है ना वो 150 है, उसको टेम्परेचर है 38 degrees centigrade, और जो सर्जन है ना वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसकी रप्चर्ड बाउल हो गई है। ठीक है, उसकी बाउल रप्चर हो गई है, तो हाउ विल यू इनिशियली इवेलुएट द पेशेंट एंड हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? सिक्स मंथ्स का बच्चा है, प्रेजेंट किया है विद इन शॉक suspected bowel rupture, ठीक है, कौन बताएगा ये सारा? आप बताओ सर, सारा को बताने दो। सर हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और इसकी प्रीमेटोरिटी की हिस्ट्री लेंगे, कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, टर्म बर्थ है कि नहीं है, और इसके अलावा कोई और फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज एनी, उसके बाद एग्जामिनेशन में आप इसके रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, फॉन्टेनेल चेक करेंगे। मिस कर रहे हैं आप, एक इसमें चीज मिस कर रही है, मैंने शॉक का लफ्ज बोला है। ओके ओके सर, शॉक में है तो एबीसी से स्टार्ट करेंगे आप। हाँ जी ठीक है सर, आईवी लाइन सिक्योर करेंगे और इसको इनिशियल इम्प्रेशन के बाद आप उसमें देखेंगे कि पेशेंट का एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन आप मेक श्योर करेंगे, यू विल ट्राई टू एस्टिमेट द लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन। उसके लिए जो आप बता रहे हैं, जो आप बताएंगे वो बता देंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड। आप 100% ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेट करेंगे बच्चे को, अगर उसको इसके अलावा आप सर्जन से भी डिस्कस करेंगे कि उनका फर्दर प्लान क्या है। आईवी फ्लूइड से स्टार्ट करेंगे 10 to 20 ml per kg पे।
के बोलस पे। अगर आप यहाँ पर यहाँ पर अगर आप ना खुद से ही बोल देंगे ना, खुद से ही आप बोल देंगे कि कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे या कितना बोलस देंगे, और आप उसमें फिर रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, तो अगर आप बोल देंगे ना तो वो आपको उससे वो टोकेगा नहीं एग्जामिनर, ठीक है। सर 10 to 20 ml per kg से डेक्सट्रोज सेलाइन वुड बी प्रेफर्ड, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी कम कर देगा एंड इट्स प्रेफर्ड इन चिल्ड्रन। सर आईवी मेंटेन करेंगे, अगर पेशेंट प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहा होगा वी गो फॉर द वैसोप्रेप्सर सर एपिनेफ्रिन एज वेल और एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन सर नॉर एपिनेफ्रिन सॉरी फर्स्ट चॉइस शुड बी नॉर एपिनेफ्रिन के अलावा कुछ करेंगे इमीडिएटली सर एंटी इसका कल्चर एंटी उसका लैक्टेट लेवल कराएंगे एबीजी कराएंगे कल्चर्स सेंड करेंगे सर फर्स्ट आर बंडल और 3 आर बंडल फॉलो करेंगे सेप्सिस का। हां जी ठीक है, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट आवर और सेकंड थर्ड आवर बंडल यू करेंगे, नहीं सर उसके अंदर जो वो है वो करेंगे ना एंटीबायोटिक है लैक्टेट है हाइड्रेट है तो वो आपने सर एंटीबायोटिक शॉट देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये आप तरतीब बता देना कि जब आपने आईवी इमीडिएटली वी विल टेक आईवी लाइन इमीडिएटली वी विल टेक ब्लड सैंपल्स वी विल डू एबीजीज वी विल स्टार्ट एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी ठीक है यस एंड वी विल डिस्कस विद द सर्जन एंड देन वी विल प्लान एन एससीजी ठीक है। बेसिकली इसके अंदर वही है कि we will immediately, initially we will give fluid challenge, और उसके बाद देखेंगे उसकी पहले ही आप उसको evaluate कर लेंगे कि कितने उसका dehydration का level है, ठीक है? और जो septic shock के अंदर cardiac output ज्यादा भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर आपने उस सारे parameters को ABGs के reference से ABGs में क्या देखेंगे इसके अंदर lactate उसके अलावा acidosis base deficit electrolytes भी आएंगे सर इसमें base deficit। अच्छा जो 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 किया जाता है mixed venous oxygen saturation ठीक है exactly सर septic shock में तो it would be raised ना mixed venous oxygen saturation use नहीं हो रही utilization नहीं हो रही तो उसमें raise होगी तो mixed venous oxygen saturation कैसे करेंगे सर वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस निकालते हैं सर देखें सीवीपी सीवीपी के जरिए जो होगी ना वो जुगलर वीनस होगी तो वो एग्जैक्टली तो नहीं होगी लेकिन आपको उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है। और आप फिर उसके बाद सारी बातें बता देंगे कि आप उसमें फ्लूइड दिया आपने वेजो एक्टिव दिया आपने वो उसको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो आपने जो है वो उसका आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया ठीक है और बच्चा है हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है ब्लड शुगर करेंगे बहुत आसान ये कोई इसमें साइंस नहीं है बिल्कुल कॉमन बातें हैं इसमें कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल नई हो बिल्कुल सारी वही कॉमन बातें हैं जो आप हर पेशेंट में कर रहे होते हैं और यही आपने बताना है यही चीजें हैं सर बेसिकली रिससिटेशन गोल है ही चार एक तो आपने सीवीपी प्रेशर मेंटेन करना है 8 to 12 और मीन आर्टेरियल प्रेशर मोर देन 65 जो बच्चे का बच्चों का एडल्ट्स का तो 65 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मुझे पता है उससे ज्यादा रखते हैं कितना हार्ट रेट नॉर्मल है कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कितनी ब्लड शुगर नॉर्मल है ठीक है। अब ये मुझे जबानी के अलावा सर यूरिन आउटपुट और मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन हाँ जी आप मिक्स वीनस जब बोलेंगे ना तो कहें मिक्स वीनस और इफ वी डोंट हैव पल्मोनरी ऑफ कोर्स पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर तो नहीं डालेंगे ना तो आप उस वक्त जुगलर वीनस भी कर सकते हैं आप सीवीपी डालेंगे सीवीपी के जरिए उसकी कर लेंगे ठीक है और आप फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस को आगे फिर देखते जाएंगे फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस देखने के लिए आप आर्टेरियल लाइन ले लेंगे उसके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन अगर आपके पास है तो वो दैट विल गिव यू अ रफ एस्टीमेट ठीक है स्ट्रोक वॉल्यूम सीवीपी सर सीवीपी तो जब वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो फिर डालेंगे ना पहले डालना मन है सर अगर वो है तो उसमें से अगर पर ये डिस्कशन चल रही है ये डीएनए पल्सेस अगर वीक होंगी पल्सेस वीक का सीवीपी किससे क्या ताल्लुक है सर अगर जो आप गले में डाल रहे हैं तो सर वहां पे जुगलर वीनस प्रेशर और साथ में कैरोटिड है तो सर उसमें डिफरेंस बिल्कुल नॉन टेक्निकल बात कर रही हूं सर आपसे वहां पे वो डलवाने को डालने को नहीं कहेंगे सीवीपी नहीं सर मैं कह रही हूं कि एग्जामिनर इस चीज को ना वो कर ले नहीं, नहीं, पेशेंट शॉक में है और आप सीवीपी डाल रहे हैं
तो हम बाद में कर रहे हैं ना, हम इमीडिएटली तो नहीं सीवीपी डाल रहे हैं ना, लार्ज बोर कैनुलास आपने दिए हैं, वो आपने सब कुछ करने के बाद ही आप, ये तो फर्दर डिस्कशन में आपके यही गोल्स होंगे ना इनिशियली, तो आप अगर आपके पास आईवी लाइन नहीं है तो आप उसको इवन आप इंट्रोशियस लाइन कह दें, ठीक है ठीक है, तो ये इसका है, ये मैंने अभी आप लोगों को शेयर भी किया है सर्वाइविंग सेप्सिस का, पीडियाट्रिक्स का वही है, सेम है, कोई मुझे तो कोई चीज डिफरेंस नजर नहीं आई, बिल्कुल सेम वही चीज है जो एडल्ट्स में, किसी को पिक कोई पिक करके मुझे बताया कि इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने क्योंकि बहुत क्लोजली नहीं देखा, लेकिन ये है कि आप फ्लूइड देते हैं, फ्लूइड के बाद आप वैसोप्रेसर देते हैं, वैसोप्रेसर के बाद अगर कार्डिक फंक्शन ठीक ना हो तो आप उसमें आइनोट्रोप एपिनेफ्रिन भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर वही मेटिकुलस आपने बहुत डोजेस का उसके साथ कर दी, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? जी सर क्लियर। अच्छा खुरम, मैं आपको इधर भी, मैं क्योंकि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं पिक नहीं कर सका, आपने मुझे एबीजी की फाइल भेजने को कहा था लेकिन आई कुडंट सेंड यू बिकॉज आई डोंट हैव योर नंबर, मुझे नहीं पता चला आपका नंबर ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। जी सर ठीक। अच्छा अगला आप क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, आप ही बताएं, ठीक है, खुरम एक जो है ना एक साल का बच्चा है, जस्ट उसने अभी मूव करना शुरू किया है, बच्चे ने एक साल की उम्र में चलना शुरू किया है, तो उसने मुंह में डाली है टॉफी और टॉफी जाके उसकी फंस गई है, ठीक है, तो वो इमीडिएटली वो इमरजेंसी में प्रेजेंट हुआ है, तो हाउ विल यू इवेलुएट दैट पेशेंट एंड व्हाट विल बी द वार्निंग साइंस फॉर यू, आप कैसे पेशेंट को इवेलुएट करेंगे? जी खुरम सर, इस सबसे पहले तो पेशेंट की के वाइटल्स लेंगे, चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि अगर बच्चा नॉर्मल है, उसकी पेरिफेरल साइनोसिस नहीं है या सेंट्रल और डिस्निक बच्चा नहीं है या किसी किस्म का स्ट्राइडर नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। अगर बच्चा जो है वो साइनोस्ड है और टैकिपनिक है और सेंट्रल साइनोसिस है तो वी विल डील इट एज एन इमरजेंसी। अच्छा आप साइनोसिस पे बहुत गौर बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, वुड यू लाइक टू से समथिंग एल्स अदर देन साइनोसिस? सर कैचिंग फॉर ब्रेथ, इससे आसान लफ्ज बोलें ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कैचिंग फॉर ब्रेथ? ब्रेथलेसनेस, फटीग, साइन ऑफ फटीग, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रिट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। हाँ जी ठीक है, तो आपने साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ठीक है एंड इम्पेंडिंग फेलियर, तो उसके अंदर आप बाद में करके फिर आप बता दें कि वो विच विल बी प्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ साइनोसिस और इफ यू आर सीइंग द सैचुरेशन तो ऑक्सीजन सैचुरेशन विल बी लो, ठीक है, तो वो पेशेंट रेस्टलेस होगा बच्चा बहुत ज्यादा और मतलब लाइक उसकी इवन अगर आप ब्रेथ साउंड सुनेंगे तो वो हो सकता है अगर वो बिल्कुल चोक कर रहा है ब्लॉक कर रहा है तो वो तो अभी आपने जैनब लिखा है ना चोकिंग, तो चोकिंग एक्चुअली चोकिंग की जो ट्रेडिशनल जो साइन होते हैं ना हमें डॉक्टर हमारा वो एडल्ट्स में ज्यादा होते हैं, बच्चों के अंदर उस तरह के साइंस नहीं होते, बच्चा आपको बता तो नहीं सकता कि मैं चोक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये आपने कर लिया, आपने रूल आउट कर लिया इनिशियली जो है वो नहीं है साइन ना, तो वो अगर सर अगर स्वीयर ब्रेथलेसनेस नहीं है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है तो हम उसको हेमलिक मैनूवर कर सकते हैं रिपीट। अच्छा हेमलिक मैनूवर किस कहां के लिए होता है? इफ आई एम नेमिंग इट राइट अपर रेस्पिरेटरी अगर फॉरेन बॉडी हो तो उसी के लिए, ठीक है। अच्छा चले हेमलिक मैनूवर फेल हो गया, अब वो ईएनटी सर्जन कह रहे हैं कि इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना, तो हाउ विल यू प्रोसीड? उसमें सर जो बेसिकली ज्यादातर ये बच्चे 1 से 3 साल के उम्र के होते हैं, अब देखें और हमेशा एक सेकंड देखें माइंड माय वर्ड्स ये वहां पर आपने कहानी नहीं सुनानी, यहाँ पर हमें एक आपको डेटा मैंने दिया हुआ है कि 1 साल का बच्चा है
और मैंने ये जानबूझ के कहा है कि उसने चलना शुरू कर दिया, तो एक साल का बच्चा अच्छा अगर चल रहा है तो इसका मतलब है ये एक जनरल सा एक इंप्रेशन है कि उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि वी विल इवैल्यूएट दैट देयर इज एनी नो अदर क्लिनिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड देन वी विल प्रोसीड। अब आप इसमें ये जो आप बोल रहे हैं ना कि एक साल के बच्चे को एक से तीन, ये आप किताबी बात बता रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम जाया कर रहे हैं वहां पर। ठीक है सर, इसमें डिपेंड करता है, अगर बॉल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें फिर आप ब्रोकोस्कोपी की तरफ ही जाएंगे, और देखें ये अगर अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम स्पोंटेनियस वेंटिलेशन पे रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये आपका कंसर्न, ये तो किस तरह से रिमूव करनी है ये अकॉर्डिंग टू द लोकेशन होगा ना, तो आपने कोई रेडियोलॉजिकल, आपने रेडियोलॉजी का जिक्र नहीं किया, क्या रेडियोलॉजी करने का फायदा होगा? सॉरी सर, इसमें एबीसी अप्रोच कर सकते हैं, पहले ये बता सकते हैं। अगर वो तो उस सूरत में है ना कि अगर है तो उन्होंने बता दिया ना, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन तो है ही ना, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन तो आपने पहले ही किया है ना, मेक श्योर के पेशेंट उस वक्त रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में नहीं है, उस वक्त इमीडिएटली उसको चोकिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो उसके ये नहीं है तो उसके बाद आप यू विल डिस्कस विद द सर्जन अबाउट देयर प्लान इफ इट इज पॉसिबल और क्लोज कम्युनिकेशन एक्सपेक्टिंग, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग। इसके अंदर तो हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया ना, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि वो टॉफी की हिस्ट्री हो, फॉरन बॉडी का सिर्फ लास्ट बोल दें, ठीक है, तो उसके अंदर आप रेडियोलॉजी का भी जिक्र कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपको कहा है ना कि प्लान करके अब आप सर्जरी के लिए मूव करना है, तो ये जुमला बजाय इसके आप अपनी तरफ से अज्यूम करने के आप सर्जन से बात करेंगे कि व्हाट इज देयर प्लान। ये अभी अभी दो मिनट पहले मैंने आपको यही बात बताई है, नुसरत को भी यही बताइए, हर यही देखे फिट हो गया ना, हर केस के अंदर सर्जन के साथ डिस्कशन का आ गया ना कि उसका क्या प्लान है, वो क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, वेयर इज द पॉसिबल लोकेशन, व्हाट दे आर सस्पेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद अब आप देखेंगे कि जो आपको चैलेंजेस उस टाइम पे होंगे कि बच्चे की आईवी लाइन नहीं है या बच्चे की आईवी लाइन है, तो आप मेक श्योर करेंगे कि बच्चा बहुत ज्यादा ना करे, क्योंकि उससे आप बहुत एग्रेसिवली कोशिश नहीं करेंगे आईवी लाइन लेने की, आप उसको थिएटर में शिफ्ट करेंगे और उसके वहां पर आप उसके इनहेलेशन इंडक्शन करेंगे, ठीक है, और इनहेलेशन इंडक्शन करने के अंदर क्या रिस्क क्या हो सकता है, व्हाट प्रॉब्लम सर, फॉरेन बॉडी फर्दर मूव कर सकती है, इसमें आईवी इंडक्शन प्रेफर्ड नहीं है सर, एस्पिरेशन भी कर सकता है। अब आप देखें ना, वही मैं बता रहा हूँ कि आपने अभी भी आप सर्जन की तरह सोच रहे हैं, आप एनेस्थेटिस्ट की तरह नहीं सोच रहे खुरम, एज एनेस्थेटिस्ट आपका क्या कंसर्न ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सर एयरवे प्रोटेक्शन, एयरवे प्रोटेक्शन है, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास अब आपने देख आपके पास आपने इसकी हिस्ट्री में आपने एनपीओ का जिक्र ही नहीं किया, ठीक है, आप हिस्ट्री के अंदर बाकी सारी बातें बोले ना बोले, एनपीओ का इस सर ये इमरजेंसी केस होगा तो इसको हम देखें, वो इमरजेंसी केस है ना, नहीं वो ट्रॉमा के रेफरेंस है, ठीक है, वो ट्रॉमा के रेफरेंस है, पेन के रेफरेंस है, वो उस रेफरेंस के अंदर ये आता है। यहाँ पर आप उसमें पूछ सकते हैं कि इफ द बेबी हैज नॉट रिसेंटली टेकिंग फूड एंड देयर इज सम गैप, तो आपको एटलीस्ट ये जुमला बोलना जरूर है, एस्पिरेशन का रिस्क तो होगा ही होगा, लेकिन एस्पिरेशन का रिस्क वर्सेस आपने डिस्कस करेंगे एंड देन यू विल चॉक आउट द प्लान, ठीक है। तो आपके पास मैंने आपसे पूछा क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो एस्पिरेशन हो सकता है, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और क्या हो सकता है, और आपके क्या चैलेंजेस हैं? आईवी लाइन का चैलेंज है, जो से वन ईयर के बच्चे की जो ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस है, दैट शुड बी इन योर माइंड, ठीक है, बेबी कैन गो इन ब्रैडीकार्डिया, बिकॉज यहाँ पर एक वजह भी है कि यहाँ पे वेगल स्टिमुलेशन हो सकती है, ठीक है, वेगल स्टिमुलेशन किसी किस्म की सेडेशन भी नहीं दे सकते, लैरिंगोस्पैज़म नहीं हो सकता, तो आपने उस टाइम पे वो आपने ये सारी बातें वहां पर उनको, अब आपने किस तरह बोलनी है, यही आपका सिर्फ साइंस है, यू हैव टू बी एयरवे इंजरी भी हो सकती है अगर कोई ऐसी चीज हो के जो एयरवे को डैमेज कर सकती है, ठीक है, और इसके अंदर कोई और आप दवाई देने की कोशिश करेंगे सर? इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जा सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स के आपको दोनों फायदे मिल जाएंगे ना, कि आप उसके ब्रैडीकार्डिया को भी आप कर लेंगे और उसको भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, टॉपिकल एनेस्थीसिया भी दी जा सकती है, टॉपिकल एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है, बेसिकली देखें आपने ये इसका कोई एक क्लियर कट आंसर नहीं है,
ना इसका आईवी इंडक्शन आंसर है ना इसका इनहेलेशन. आपने कहा है कि यू विल बी डिसाइडिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यू विल डिस्कसिंग विद द सर्जन अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो. यू हैव दीज ऑप्शंस. इफ यू आर डूइंग इनहेलेशनल इंडक्शन स्टिल यू हैव द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन. इनहेलेशनल इंडक्शन विदाउट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज बेटर बिकॉज यू विल नॉट बी पुशिंग द फॉरन बॉडी फर्दर. ठीक है sir, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन. Spontaneous ventilation, ठीक है. और उसके बाद if they are planning with the rigid bronchoscope, then once they are in the with the rigid bronchoscope, you can attach with the side port. You can continue the same technique, ठीक है. आप inhalation induction करके आप IV line secure कर सकते हैं and at the same time they can start their job. लेकिन इट इज बेटर नॉट टू लेट देम डू बिफोर यू टेक आईवी लाइन क्योंकि एयरवे मैनिपुलेशन की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. ठीक है. लेकिन क्योंकि यहां पर फिर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. एयरवे मैनिपुलेशन इन सम अदर केस एंड एयरवे मैनिपुलेशन इन ब्रोंकोस्कोप विद इन दिस सिनेरियो थिंग्स विल बी डिफरेंट. ठीक है. दिस मे बी डिफिकल्ट सर्जिकल प्रोसीजर सर. नहीं ये हो सकता है तो ठीक है ना. तो इसके अंदर आपने और बाकी केसेस में हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हो ना हो आपने हिस्ट्री के इसके अंदर आपने ये देखना है कि वो कितनी देर पहले ये वाकया हुआ है उसके बाद उस बच्चे का एनपीओ क्या था. ठीक है. और पॉसिबल वो क्या चीज थी. यहाँ पे तो मैंने आपको टॉफी बता दी है ना. जरूरी नहीं है कि वो आपको ये चीज बताए. तो ये इसके अंदर सारी चीजें. तो अब उन्होंने फॉरेन बॉडी निकाल ली है तो उसके बाद आप क्या करेंगे सर. जो ब्रोंकोस्कोपी है ये ट्रॉमेटिक भी हो सकती है और डेक्सामेथासोन देंगे पोस्ट ऑपरेटिवली. ओके. इंट्यूबेट कर सकते हैं. इंट्यूबेट कर सकते हैं सर. स्टीरॉइड दे सकते हैं. ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं. एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. अच्छा ब्रोंकोडायलेटर्स क्यों देना है सर. ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है ना. देखें अगर जरूरत होगी तो तब देंगे ना. ब्रोंकोडायलेटर वो अब आप बोलेंगे तो अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा ब्रोंकोडायलेटर देंगे. स्टीरॉइड तो आप कहेंगे ना एयरवे के एडिमा की वजह से. ठीक है. एयरवे की मैनिपुलेशन की है. इट कैन बी ट्रोमेटिक सो यू नीड टू हैव समथिंग एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी. ठीक है. तो बहरहाल ठीक है ये आंसर गलत नहीं है. और आपको उसमें बेसिकली वो ये भी होता है कि अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है. यू कैन पुट एन LMA. अब आपने सिर्फ पेशेंट को जगाना ही है ना तो आप जरूरी नहीं है कि आप उसको इंट्यूबेट करें. ठीक है. आप LMA में भी डाल सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसी है. ठीक है. और मतलब लाइक ये कि आपने तकरीबन सारी बातें बता दी. इसमें एक सिर्फ बोल दें कि अगर पेशेंट कोलैप्स हो गया तो आपने CPR की गाइडलाइंस पे चले जाना. और सर बैकअप में ट्रेकियोस्टोमी के भी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आपको बैकअप आपके पास. ठीक है. और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होगी ना वो मैं अभी आपको बताना भूल गया था. वो इंपॉर्टेंट चीज है कफिंग. अगर बच्चे का कफ रिफ्लेक्स है तो इट्स अ गुड साइन. ठीक है. कफ रिफ्लेक्स अगर बच्चे का जब इनिशियल आपने इंप्रेशन देखा है ना तो उसके अंदर आपने साइंस ऑफ जुमला याद करें. साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ठीक है सर. उसमें ये है कि अगर फॉरेन बॉडी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पड़ी है तो उसमें कफिंग की हिस्ट्री जो है वो सिग्निफिकेंट होगी. नहीं ये बात ठीक है आपकी. लेकिन एट द सेम टाइम अगर बच्चा उस वक्त ऐसी कंडीशन में है क्योंकि देखिए ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है. ठीक है. अगर बच्चे के अंदर कफ रिफ्लेक्स मौजूद है ना तो वो आपके लिए एक प्रोटेक्टिव है कि अगर वो चीज आगे जाएगी भी ना तो वो बच्चा निकाल देगा. अगर वो अपर एरिया में भी है ना और उसको कफ रिफ्लेक्स है तो वो इट्स अ गुड साइन. ठीक है. ठीक है. तो बाकी आपने एंटी इंफ्लेमेटरी का बता दिया और बाकी सारी चीजें तकरीबन हो गई हैं. ठीक है. और सर इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर फॉरेन बॉडी अपर एयरवे में पड़ी है तो ये उसकी एक्यूट प्रेजेंटेशन होगी और अगर लोअर एयरवे में है तो वो उसकी हिस्ट्री सेवरल डेज की हो सकती है. देखें हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. लेकिन आप इस चीज को आप बाउंड ना करें. ठीक है. आप वैसे सिर्फ इस चीज को जब सिनेरियो हो ना तो अब हम समराइज करें ना इस सारे सिनेरियो को
तो आपने हिस्ट्री के अंदर एनपीओ हिस्ट्री उसकी है कि फॉरेन बॉडी पॉसिबल क्या है और उसको कितनी देर हो चुकी है, ठीक है? ऐसे ही ये हमारा डोमेन नहीं है कि वो देर हो गई है, क्योंकि ये मतलब इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप बता रहे हैं ना कि अगर हो सकता है कि वो बहुत देर से पड़ी हो लेकिन फॉरेन बॉडी अपर एरिया में ही हो, ये आपका इस इट डजंट मैटर ना। अगर लेट प्रेजेंटेशन भी है तो हो भी सकता है ना, अपर एयरवे में भी तो हो सकता है। एडल्ट के अंदर यही सिनेरियो के अंदर एडल्ट हो तो उसके अंदर कांटा आगे नहीं फंस सकता। बच्चे में भी कोई उसने ऐसी अच्छा आप इसमें आप लोगों ने मैं भी नहीं बताया, क्या इसके अंदर और कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है? न्यूरोलॉजिकल जी सर हो सकती है इसमें कोई रिकरेंट यूनिलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की अगर कोई पाल्सी है तो वो भी हो सकती है सर। नहीं और अगर कोई हो सकता है कि कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये एस्पिरेशन हुई हो, ठीक है ना? क्योंकि अगर प्रोटेक्टिव एयर में रिफ्लेक्सेस मौजूद हैं तो एक्चुअली तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए ना, ठीक है? बच्चे को कफ आउट कर देना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक आपको आप जब आप बता रहे हैं तो आपने ये जुमला जरूर बोलना है कि यू हैव टू रूल आउट एनी न्यूरोलॉजिकल पॉलिसी सेरेब्रल। जैसे अब इन्होंने हिंट आपको दिया सेरेब्रल पॉलिसी, इट कैन बी एनी न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है, ठीक है? कोई भी चीज हो सकती है। तो आपने न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्वमेंट बता दी, बच्चे की आपने हिस्ट्री बता दी, बच्चे की आपने फॉरेन बॉडी का स्टेटस बता दिया और आपने ठीक है समझ आ गई बात। तो तकरीबन ये सारी चीजें इसी के अंदर। एक थोड़ा सा ऑफ शूट ये है कि जो कि एक दफा हम लोगों से एफआरसीए के एग्जाम की प्रिपरेशन में ये मैंने सिनेरियो आया था तो मुझे याद रह गया, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में कभी आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन वो बाद में मैंने देखा था तो उसकी पूरी गाइडलाइन मौजूद थी कि इंजेस्टेड बैटरी है, बच्चे ने खा ली है, निकल गया बच्चा बैटरी। बैटरी के अंदर क्या होता है आमतौर पर? इंजेस्ट और इनहेल में क्या फर्क होता है? सारा जाती ना करो सर, इंजेस्ट में गट में गया। थैंक यू वेरी मच। इंजेस्टेड और इनहेल्ड में फर्क होता है, ठीक है? तो ये है जी फॉरेन बॉडी। कोई क्वेश्चन कोई चीज समझ ना आई हो सर? इस तरह पीनट में भी होता है कि अगर क्या पीनट इनहेल करके आया चाइल्ड तो वो उसमें वो केमिकल रिएक्शन कराता है क्योंकि वो ऑयल जो है वो सीक्रेट होगा उससे। देखें ये कोई भी चीज नहीं है ना, एलर्जी है पीनट से जी सर। देखें कोई भी इवन ये इंपैक्टेड भी हो सकता है फॉरेन बॉडी, ठीक है? इंपैक्टेड होगा तो जो रिमूव करेंगे तो पता लगे कि जिस तरह जमील ने बताया ना एयरवे का ट्रॉमा हो सकता है, वो ट्रॉमा इट कैन बी एट एनी प्लेस, ठीक है? ड्यूरिंग रिमूवल भी ट्रॉमा हो सकता है, वो अभी तक आराम से पड़ा हुआ था जब आपने निकालने लगे हैं तो आपको निकालने में उसने एयरवे को ट्रॉमा कर दिया, आपने वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर दिया, ठीक है? तो आपको इसके अंदर लिबरल जी दूसरा सर ये पीनट की ये बताते हैं यही इस वजह से ये कि एक तो वो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और मोस्टली जो है ना वो आगे फॉरवर्ड बॉडी पास का तो मूव कर जाती है, राइट ब्रोंक्स में चली जाती है, फिर राइट लंग जो है ना वो क्लैप्स या कुछ का जो है ना सेगमेंट। अच्छा सर इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मसल रिलैक्सेशन जी। देखिए मसल रिलैक्सेशन इनिशियली जो है आप वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसमें कोई भी चीज कोई फिक्स रूल नहीं है इनिशियली, ठीक है? इट विल बी इंडिविजुअल, इसके लिए आप जुमला याद कर लें, देयर इज नो जनरलाइज्ड अप्रोच फॉर फॉरेन बॉडी रिमूवल, इट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। समझ आ गई? ये जुमला आपका एग्जामिनर परेशान हो जाएगा कि ये तो किताब में नहीं लिखा, ये कहाँ से बोल रहा है ये, लेकिन दैट इज द बेस्ट आंसर, ठीक है? ये इंडिविजुअलाइज अप्रोच है, देयर इज नो फिक्स्ड रूल। आप अगर बच्चे को आपने ट्यूब डाल, ये भी तो हो सकता है ना कि आप सर्जन ने फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप यूज करनी है तो वो आपको कहेगा ओके आप जस्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दें उसके बाद आई विल गो फ्रॉम फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप के जरिए, ऐसा भी हो सकता है ना। So in either case you will have a number of options and you have to be mentally prepared for a number of problems, okay? Bronchospasm, laryngospasm, airway obstruction,
क्या नाम है इसका, वेगल स्टिमुलेशन, ठीक है, और इवन अब जब उन्होंने प्रोसीजर रिमूव कर लिया है तो वो हो सकता है उन्होंने ब्रोंकोस्कोप, रिजिड ब्रोंकोस्कोप से रिमूव किया है, लेकिन कोई ऐसा फॉरेन बॉडी है जो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसके पार्टिकल्स थोड़े आगे तक गए हुए फर्दर ऑन इन एयरवे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो निकालने के बाद वो फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप के जरिए लिवाज भी करें, वॉश भी करें, या और जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करें, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, जो आपकी खतरनाक चीज़ें हैं वो कम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, और जो है ना आपका एयरवे मैनिपुलेशन की वजह से रिफ्लेक्सेस, ठीक है, यूजुअली वो यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल ये हो गया टॉपिक। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इसमें शेयर करूंगा, एक दफ़ा जो है ना वो ये सनफ्लावर सीड था ना जो उसका, वो राइट मेन ब्रोंकस में था और लेंजोस्कोपी में, ब्रोंकोस्कोपी तो नहीं हुआ, मगर जब उसको निकालने लगे तो उसने ट्रामा कर दिया था, ठीक है, वहाँ पे फिर इंजरी उसने की बड़ी सीवियर। एक ये दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि जो पुलमोनोलॉजिस्ट था ना उसने फिर लिवाज करने के लिए, वो बच्चा जस्ट था 10 kg का और उसने 60 ml सिर्फ की और जो कि वापस ना आ सका, तो सारा लंग उसका वेट हो गया, तो सैचुरेशन भी उसमें फिर जो है ना वो 85 और 90 के दरमियान रहनी शुरू हो गई। अच्छा, एक इसमें मैं और इम्पोर्टेंट बात मेरे दिमाग में आ गई है, छोटे बच्चों में क्या एट्रोजेनिक फॉरन बॉडी आप कर सकते हैं इंटूबेशन के वक्त या किसी वक्त, एट्रोजेनिक फॉरन बॉडी क्या जा सकता है? टीथ जनाब, फ्रेजाइल टीथ, ठीक है, खास तौर पे जो टीथिंग वाला होता है उसके अंदर हो सकता है ये, तो अगर हो सकता है, हो सकता है कि आपको पता ही ना चले, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना जी। एट्रोजेनिक इंजरी मतलब लेरिंगोस्कोपी के दरमियान में उसका टीथ लूज था, वो टूट गया और आपको पता ही नहीं चला, इट इज पॉसिबल, ठीक है। आप थ्रोट पैक रख रहे थे, अभी मैंने, मेरे साथ खुद हुआ था अभी कुछ दिन पहले, एक सर्जरी करवा लेते, उसमें लीक था, उसमें वो एयरवे की सर्जरी नहीं थी, वो यूरोलॉजी की सर्जरी थी, लेकिन छोटा बच्चा था, लेकिन उसमें लीक हो रहा था, तो मुझे उसमें पैक रखना पड़ा, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो आई जस्ट हैव टू पैक बिकॉज देयर वाज द एप्रोप्रिएट साइज एंडोपिकल ट्यूब वाज नॉट देयर, तो ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ पैक मुझे नहीं नजर आया, क्योंकि वो उसकी वो बाहर आ रहा था, तो उसका टूथ टूट के वहीं पर बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ा हुआ था, मुझे नजर आ गया एंड पे, वो फौरन मैंने फिर रिमूव किया। तो मतलब बताने का मकसद ये कि ये भी एक आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अजहर, आप पेन असेसमेंट इन बच्चों के बारे में बताएं, हाउ टू असेस पेन। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा सर, एक्चुअली मेनली दो कैटेगरीज है ना पेन असेसमेंट के लिए बच्चों के लिए, एक तो वो हैं जो तकरीबन 3 साल या 3 साल से बड़े बच्चे हैं, हु देमसेल्फ कैन somehow जो है ना वो अपनी पेन का स्केल जो है ना somehow पेन की इंटेंसिटी बता सकते हैं, उनमें जो है ना वो वोंक बेकर जो है ना फेसेस स्केल जो है ना इस्तेमाल होता है, जिनमें 0 से 10 तक स्कोर होता है, और बच्चे को हम कह सकते हैं कि भाई आप फिंगर रखें जो है ना, या रखें पॉइंट आउट करें कि कितना आपको जो है ना, एक ये है, और दूसरा जो है वो एक सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशनल पेन स्केल्स हैं, जिनमें एक क्राइज है CRIES स्केल, जिसमें हाँ ये जो है ना स्केल, ये वो इन्फेंट्स हो या अनएबल और अनविलिंग टू रिपोर्ट देयर पेन हो ना, उनमें जो है ना वो हम ये इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आता है फेशियल एक्सप्रेशन हम उसके देखते हैं, क्राइंग देखते हैं, फिजिकल मूवमेंट देखते हैं, और वाइटल साइंस देखते हैं। ये है 3 साल से कम या इन्फेंट्स बच्चों के लिए। अच्छा, दूसरा भी है जो बड़ों और बच्चों के लिए, दोनों के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है, उनमें है कंफर्ट स्केल सर। इसमें जो है ना इसके 8 पैरामीटर्स हैं, अगर मैं जल्दी से इसको कर दूं, अलर्टनेस, कामनेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्राइंग, फिजिकल मूवमेंट्स, मसल टोन, फेशियल टेंशन एंड वाइटल साइंस, ये जो है ना वो बड़ों और बच्चों दोनों में इस्तेमाल होते हैं सर। मेनली मुझे सर यही मिले सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें इसमें आपने फ्लैग स्केल नहीं पढ़ा सर? बिल्कुल जी, वो भी है सर, वो भी है सर। ठीक है, जो फ्लैग स्केल होता है उसके बाद, अच्छा आपने देखें, अब आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, सोचें आप क्या किया है,
आपने क्लिनिकल साइन सिम्टम्स को छोड़ के आपने डायरेक्ट उसके पेन स्केल बताने शुरू कर दिए, ठीक है। इसमें एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें अगर अपना क्राइज स्केल जो है ना इटसेल्फ वाइटल साइन उसका जो है ना वो एक पार्ट है, लेकिन हाँ। आप देखें मेरी बात सुने, जब भी अगर वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी आपसे ये सवाल पूछे, ठीक है, तो आप ये कहें कि इनिशियल इंप्रेशन कैन बी अटेन्ड बाय द हिस्ट्री एंड बाय द सिनेरियो, ठीक है, and the presence of any obvious vital signs, okay, and then these different scales can help you, ठीक है, सही कह रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक एक approach कहते हैं quest, ठीक है, अगर ऐसा बच्चा है जो आपके सवालों का जवाब दे रहा है तो आप उसको पहले ना सवाल पूछेंगे, question the child, ठीक है, और उसके बाद use the age and developmentally appropriate pain rating scales, आपने बच्चे को आपने जो कोई भी आप उससे पूछ सकते हैं कितनी तुम्हें तकलीफ है, क्या सिवियरिटी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने एज रिलेटेड एज के अप्रोप्रिएट जो भी स्केल आप उसको यूज करेंगे, फिर ई से है इवेल्युएट बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, और उसके बाद आप पेरेंट से लेंगे सिक्योर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके दिमाग में टेक द कॉज ऑफ पेन इंटू अकाउंट, और फिर उसके बाद है टेक एक्शन एंड इवैल्यूएट रिजल्ट्स, ये क्वेस्ट अप्रोच है, क्वेश्चन द चाइल्ड, यूज द एज, इवैल्यूएट बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सिक्योर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, टेक द कॉज ऑफ पेन इनटू अकाउंट, ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये है कि पेन की असेसमेंट इज अ डिफिकल्ट टास्क स्पेशली इन किड्स, तो आप उसके अंदर जो वॉन्ग बेकर फेसेस हैं उसके जरिए कर सकते हैं, जो आपने कम्फर्ट बताया है वो उसके जरिए कर सकते हैं, फ्लैग के जरिए कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। अच्छा मुझे ये इस यहाँ का हमारा प्योर हिस्सा नहीं है, व्हाट आर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पेन, ये नुसरत बताओ, या चलें कोई भी बता दे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी सबसे ज्यादा तो सर, और इसके साथ साथ सर इंक्रीज स्टे एट हॉस्पिटल हो सकता है सर अगर एडमिटेड पेशेंट है, और सर उसमें रिमाइंड नहीं होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैकीकार्डिया ये हो सकता है आपसे डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन आपको बहुत बहुत ये ही इम्पोर्टेंट है, तो अब आप आपके दिमाग में टैकीकार्डिया हो गया, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो गया, उसके बाद जनाब आपकी हाइपरटेंशन, पेशेंट को इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है, इस्कीमिया है, किडनी है, पेन की वजह से स्प्लिंटिंग हो रही है, एटीलेक्टेसिस हो सकता है, हाइपरकार्बिया हो सकता है, इन्फेक्शन को प्रोन हो जाए, ठीक है, जी आई टी में पेन पेन की वजह से सिवियर पेन की वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से आईएलएस नहीं हो सकता, आईएलएस होगी तो वोमिटिंग होगी, ठीक है, वोमिटिंग होगी तो डिहाइड्रेशन भी हो सकती, तो ये आपके सारे उसके उसके बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है, और उसके बाद इंक्रीज आप जो बता रही थी इंक्रीज हॉस्पिटल स्टे, जब हॉस्पिटल स्टे ज्यादा होगा तो एम्बोलिज्म के भी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, तो ये सारी साइकिल है पेन की, तो ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये अगर आपको ये सवाल का जवाब देना नहीं आएगा ना तो आप फेल हो सकते हैं, and it's a very simple question, हमारी तो इमारत ही इस पे चल रही है, ठीक है, या अच्छा एक associated जरा सा just change of a topic, मुझे बताएं anesthesia का क्या क्या component होते हैं, एक मिनट कोई भी ना बोले, Zainab बताओ, Zainab शाबाश, what are the components of anesthesia, Zainab बिलाल आपको आवाज आ रही है, पेन मैनेजमेंट, नॉसिया, वोमिटिंग, सर मैं बताऊं, चलो आप बता दो सर, 3 A's होते हैं, एनाल्जेसिया, एम्नेसिया, एकाइनेसिया, एकाइनेसिया, अच्छा ठीक है, यू आर राइट, या हाइपोकाइनेसिया, एकाइनेसिया, ये देखो एनाल्जेसिया एम्नेसिया दो चीजें तो हैं, उसके बाद एकाइनेसिया इज बेसिकली आप मसल रिलैक्सेशन है, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन जी सर, और एक एक चीज और है वो है हिप्नोसिस,
ठीक है, ओके, हिप्नोसिस। तो आप इनको कंपोनेंट को मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ तरीके से आप यूटिलाइज करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस हाँ। और ये जो पेन के इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर एक चीज मैं भूल गया हूँ, वो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब भी पेन होगी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स होगा, तो हार्मोन्स, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं स्ट्रेस में? कॉर्टिसोल, सॉरी, कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन, सर ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड, ये सारे सीक्रेट होते हैं। बस ग्रोथ हार्मोन नहीं होता इसी, उसके बाद जो है आपका एल्डोस्टेरोन नहीं होता? होता सर, ठीक है। कौन सा हार्मोन कम हो जाता है या उसका इफेक्ट कम हो जाता है? इंसुलिन, इंसुलिन, वेरी गुड, ठीक है। एडीएच बढ़ता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन बढ़ता है सर, आप बजाय इसके ये इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने के कैटेकोलामाइन्स बढ़ते हैं, स्टीरॉइड्स बढ़ते हैं, ठीक है, एडीएच बढ़ता है, एल्डोस्टेरोन बढ़ता है, ठीक है। तो मतलब लाइक ये ट्राई टू यूज मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेन। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में भी चला जाएगा पेशेंट, ठीक है, कैटाबॉलिज्म होगी, ग्लाइकोजेनोलिसिस होगी और हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है बेसिकली, और हाइपर कोएगुलेबल स्टेट भी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं पेन से रिलेटेड। अच्छा, एक मैंने, क्योंकि ये मेरे पास इस वक्त मेरी करंट नॉलेज में मुझे याद नहीं है, आई वॉन्ट एक्यूरेट, किसी को पीडियाट्रिक स्टेटस एपिलेप्टिकस की मैनेजमेंट आती है? अगर नहीं आती तो चलें, कल जो है ना, ऑलमोस्ट वी हैव डन ऑलमोस्ट मेन टॉपिक्स जो है ना वो पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। तो अगर कोई चीज रह गई है तो वो, प्लस कुछ और न्यूरो कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सर, स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी एबीसी को ही फॉलो करना होता है जी? ये कहानी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती है, इसके अंदर जो मैं आपको बता देता हूँ, असल में आप लोग देखें, घूम फिर के ना मेरे कहीं ना कहीं से मेरी बात मुझे बोलना ही पड़ता है। आप लोग किताबें रट्टे मारते हैं, आप लोग इंटरनेट को नहीं सर्च करते, ठीक है, और किताबें तबाही हैं। अगर कोई आज की दौर में सिर्फ किताबों पर इक्तफा करता है ना, तो वो अपने साथ जुल्म कर रहा है। स्टेटस एपिलेप्टिकस बच्चों के अंदर आपको ओरल रूट की दवाइयां पता होनी चाहिए, आपको रेक्टल रूट की दवाइयां पता होनी चाहिए, आईवी लाइन अगर नहीं है तो आपने कौन सी दवाई देनी है, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, सेकंड लाइन ड्रग कौन सी है। इसके अंदर फिनोबार्बिटोन का भी जिक्र कहीं आता है, लोरेजिपैम का भी जिक्र आता है, ओरल मेटाजोलैम का भी जिक्र आता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो एल्गोरिदम आपको आना चाहिए, ठीक है। पीडियाट्रिक स्टेटस एपिलेप्टिकस, साथ ही हम एडल्ट स्टेटस एपिलेप्टिकस कर लेंगे, और कुछ जो चीजें मजीद रह गई हैं वो इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। अगर अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज तो बता दीजिए। जी हसाम, समझ आई है, कोई फायदा हुआ है? जी सर, काफी हुआ फायदा। सुहेब, क्लियर हो गई है चीज? जी जी सर, बिल्कुल। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, इंशाल्लाह कल सेम टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।